हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम एमपी कांस्टेबल के 2017 के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी तक हम टोटल 10 पेपरों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11वें पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो देखेंगे कि 11वें पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये जो पेपर है ये आपका 24 अगस्त 2017 के आपके मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है ना। तो इसमें मैक्सिमम जो है आपसे 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चन आए थे। अगर ये आप 40 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि आगामी एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है ना। तो उन सब पर हम चर्चा करेंगे, और हमने जो 10 पेपरों का सॉल्यूशन किया उनमें भी आपको बताया है कि किस तरीके से एक क्वेश्चन से हट के दूसरी चीज़ कैसे पूछी जा सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, और देखते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अंकों 9, 0, 4, 1, 6 से 5 अंक वाली कितनी संख्याएं निर्मित हो सकती हैं जिनमें 0 दहाई अंक पर हो। देखिए आपको टोटल अंक कितने दिए हैं, सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। आपके पास जो टोटल अंक है वो है 9 पहला अंक, दूसरा 0, तीसरा 4, चौथा 1 और पांचवा अंक जो है वो 6 है। ये 5 अंक आपको दिए हैं, और 5 अंकों की सहायता से आपको 5 अंकों वाली संख्या बनानी है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, ये किस टॉपिक का आपका क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर ये क्रमचय संचय, क्रमचय संचय जो हमारा टॉपिक होता है, क्रमचय और संचय, जिसको हम परम्यूटेशन संचय, जो टॉपिक होता है जिसको हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नाम से हम जानते हैं, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसमें भी ये आपका परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, मतलब आप कितने तरीके से उनको अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने के बाद आपके नए नए जो नंबर बनेंगे 5 अंकों वाले वो आपको बताने हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन आपको ये दी है कि जिसमें जो 0 है वो दहाई के अंक पर हो। 0 हमेशा कहाँ हो, दहाई के अंक पर हो, मतलब 0 को आपको टच नहीं करना है। तो अब आप बताइए कि आपके पास 5 अंक हैं, टोटल अंक कितने हैं। तो आप कहेंगे सर हमारे पास जो टोटल अंक हैं वो कितने हैं, 5 हैं। अंक कितने हैं, तो 5 अंक हैं ये आपके पास। अब 5 अंकों से आपको 5 अंकों वाली ही संख्या बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 अंकों वाली संख्या के हमने स्थान निर्धारित कर दिए। ये आपका इकाई का अंक यहाँ आएगा, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 5 अंकों वाली संख्या का जब आप निर्माण करेंगे तो देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि कंडीशन कह रहे हैं कि 0 दहाई के स्थान पर हो, मतलब यहाँ पर तो आपको क्या बिठाना है, 0 को। आप जानते हैं ये इकाई होता है, ये दहाई, मतलब एक स्थान तक एक अंक बिठा दिया। कितने तरीके से बिठा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर केवल एक तरीके से। भाई हम आपसे बोलें कि आपके पास एक कुर्सी है और एक व्यक्ति को उस पर बिठाना है, तो कितने तरीके से आप बिठा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये तो नहीं करेंगे कि पहले एक जो व्यक्ति है उसको बिठा ला फिर उठा दिया, तो आपने कहा सर एक तरीका हो गया, फिर उठाया फिर बिठा दिया, फिर उठाया फिर बिठा दिया, फिर उसको बिठा के फिर उठा रहे हैं फिर बिठा रहे हैं, तो ऐसे तो हजारों लाखों इन्फाइनाइट तरीके बनेंगे। तो तरीके मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो कुर्सियों और एक व्यक्ति को बिठाना है तो कितने तरीके से बिठा सकते हैं। भाई पहले आप पहली कुर्सी पर बिठा दें और फिर दूसरी कुर्सी पर बिठा दें, दो तरीके हो जाएंगे। अगर हम आपसे बोलें कि दो कुर्सी हैं और दो व्यक्ति हैं, क्या बात करें हम कि भाई हमने कुर्सी बोली कि कुर्सी का नंबर हमारा ए और बी है, व्यक्ति हमारा फर्स्ट और सेकंड है, ऐसे मान लीजिए, या व्यक्ति मान लीजिए कि ए और बी हैं, ए और बी व्यक्ति थोड़े से आपको सूटेबल रहेंगे, और कुर्सी एक और दो है, तो इसमें तरीके कितने बन सकते हैं। तो आप कहेंगे सर पहली कुर्सी पर आप ए को बिठा दें, दूसरी कुर्सी पर आप बी को बिठा दें, तो एक तरीका हो गया। फिर एक तरीका हो सकता है आपको मन किया कि नहीं बी को पहली पर बिठा दीजिए, तो बी को अगर आप पहली कुर्सी पर बिठा दें तो ए को कहाँ बिठा लेंगे, तो दूसरी कुर्सी पर बिठा लेंगे। तो कितने तरीके से आप बिठा सकते हैं, दो तरीके से, मतलब दो कुर्सी पर दो व्यक्तियों को बिठाने के तरीके कितने होते हैं, केवल दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि एक स्थान है और उस पर आपको 0 का अंक फिक्स करना है, तो मतलब एक ही तरीके से रख सकते हैं, तो वो हमने फिक्स कर दिया। अब देखिए हमारा 0 तो फिक्स हो गया, इसको आप नहीं छेड़ सकते, 0 आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब हमारे पास कितने अंक बचे हम बोलें, तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3 और 4।
अभी आपके पास चार अंक बचे, कौन कौन से? 9, 4, 1 और 6। अब हमें क्या करना है, पांच अंकों की संख्या बनानी है। एक अंक तो हमने फिक्स कर दिया, अब आप क्या कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर कि हम इस वाले स्थान पर जो अंतिम अंक है यहाँ पर, यहाँ इस वाले स्थान पर कितने अंकों को रख सकते हैं? तो आप या तो 9 भी रख सकते हैं, या आप चाहें तो पहले 4 रख सकते हैं, फिर 1 और फिर 6। तो हमने बोला कि आपके पास एक स्थान है और 4 अंक हैं, तो कितने तरीके से आप यहाँ पर 4 अंकों को रख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 4 तरीके से। कितने तरीके से? 4 तरीके से। अब ये जो क्वेश्चन बनता है ये होता है पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो तब का क्वेश्चन है ये, मतलब जब रिपीटेशन नॉट अलाउ हो, पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो। अब चूंकि इस क्वेश्चन में पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो मतलब आपने इन 4 में से एक अंक यहाँ फिक्स कर दिया, मान के चलिए आपने 9 को फिक्स कर दिया, तो अब आपके पास कितने अंक बचे? 1, 2, 3। तो आपके पास 3 अंक हैं, एक स्थान है, कितने तरीके से बिठा सकते हैं? एक स्थान पर 3 अंकों को, तो आप कहेंगे सर 3 तरीके से। फिर एक फिर से आपको फिक्स मानना पड़ेगा, तो हमने मान लिया कि 4 को फिक्स कर दिया, किसी भी एक को फिक्स कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं है कि पहले हमने 9 को किया तो पहले आप 4 को भी फिक्स कर सकते थे, पहले आप 1 को भी कर सकते थे और पहले 6 को भी, किसी भी एक अंक को, लेकिन आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो एक स्थान पर 4 अंकों को रखने के तरीके टोटल 4, एक को फिक्स कर दिया, हमारे पास 3 अंक बचे। अब एक स्थान है और 3 अंकों को फिक्स रखने के तरीके, तो आप कहेंगे 3। फिर आपके पास एक स्थान है, अब एक को फिक्स कर दिया, तो एक स्थान पर 2 अंकों में से एक अंक रखने का तरीका, तो आप कहेंगे सर 2। अब यहाँ भी एक अंक फिक्स कर दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1। यानी कि अगर हम बात करें 0, तो देखिए फिक्स नंबर था आपको बता दें, लेकिन 0 को भी आप कितने तरीके से रख सकते हैं, ये हमने आपको बताया आपको एक तरीके से केवल, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या बनेगा आपका, यहाँ पर एक स्थान पर आपने 4, 3 सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 3, इंटू 2, इंटू 1 और इंटू 1, ये सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 12 2 24, 24 एकम 24 और 24 एकम 24, टोटल कितना आएगा? 24। मतलब आपके पास जो अंक हैं 9, 0, 4, 1, 6, ये जो 5 अंक हैं, इन 5 अंकों की सहायता से आप 5 अंकों वाली कितनी? तो 24 संख्या बना सकते हैं। उन 24 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में दहाई के स्थान पर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 24। 24 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए भाई किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हमें संख्याएं बनानी रहती हैं, जब अंक दिए हों, तो काफ़ी आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम बात करें कि एक अंक को आपको फिक्स नहीं करना होता, फैक्टोरियल की मदद से भी आप कर सकते हैं। आपने एक अंक 0 फिक्स कर दिया, तो आपके पास कितना बचे? 4 अंक। तो 4 अंक जब आपके पास बचे, तो आप क्या करेंगे? 4 अंकों से 4 अंकों वाली कितनी संख्या बना सकते हैं, पहले आप वो कर लीजिए। तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 4 तरीके से। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 3 2 और 1, तो ये 4 3 12 2 24 होगा। एक अंक आपका फिक्स है, तो एक अंक का तो आप रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, तो इनटू में क्या आएगा? यहाँ पर फैक्टोरियल 1 भी आएगा, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 ही होती है, तो 24 ही आपका आंसर आएगा। अगर आप क्रमचय के तरीके से जाएंगे, फैक्टोरियल 4 तरीके से आप संख्या बना सकती हैं। अगर ये क्वेश्चन में कंडीशन नहीं होती कि 0 दहाई के अंक पर हो, तो आप समझिए कैसे क्वेश्चन को करते। अगर ये क्वेश्चन केवल आपसे इतना बोलता कि अंकों 0, 4, 1, 6 और 9 भी आपको दिया है, इनसे 5 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, केवल इतना पूछते, तो देखिए दो तरीके आपके पास हैं। एक तो ये वाला तरीका जो अभी आपको बताया, 1, 2, 3, 4, 5 अंक आपने डिनोट कर दिए, 5 अंकों में से कोई भी एक अंक आप यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे नहीं रख सकते सर, क्योंकि 5 में से 0 आप इस स्थान पर नहीं रख सकते। अगर 0 सबसे पहले किसी संख्या में आ जाएगा, तो वो 5 अंकों की नहीं, वो 4 अंकों की संख्या रह जाएगी। तो मतलब पहले स्थान पर आप 0 को छोड़कर कितने अंक रख सकते हैं? 4। तो एक स्थान पर 4 अंक रखने के तरीके 4। फिर अब आपका 0 स्वतंत्र है, अब यहाँ 0 भी आ सकता है, तो आप इन 4 में से एक नंबर तो फिक्स हो जाएगा। अब आपके पास कितने नंबर अंक बचे? तो 1, 2, 3, 4 बचे। तो एक स्थान पर 4 अंक रखने के प्रकार 4, अगले पे एक फिक्स हो जाएगा, तो यहाँ 3 बचेंगे, अगले पे 2 और अगले पे 1 बचेगा। इन सबका आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 अंकों वाली कितनी संख्या बनाई जा सकती है, जब आपके पास ये वाली कंडीशन ना दी गई हो, ये कंडीशन ना दी गई हो, ठीक है ना। तो देखिए 4 चौक 16, 16 3 48, 48 2 9, तो आप कहेंगे सर 96, तो टोटल 96 संख्या बनेंगी 5 अंकों की, ठीक है। इसको आप कैसे और कर सकते हैं, तो आपको बात क्लियर हो गई कि इस क्वेश्चन को आप कैसे और कर सकते हैं, अगर केवल आपको कंडीशन ना दें, 5 अंक दे दें और 5 अंकों वाली संख्या बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए
अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया है, यदि एक बेकर का दर्जन 13 है, यदि एक बेकर का दर्जन 13 है तो बेकर के दर्जनों के 5 दर्जन कितने होंगे। तो बेकर के दर्जनों के 5 दर्जन कितने होंगे, देखिए समझिए, इन्होंने बोला एक बेकर का दर्जन 13 है, दर्जन कितना है 13 है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक बेकर क्वेश्चन में दिया है एक बेकर का दर्जन कितना है, का दर्जन 13 के बराबर है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, तो बेकर के दर्जनों मतलब एक दर्जन में 12 होते हैं, तो बेकर में मतलब कितने होते हैं, एक बेकर का दर्जन मतलब 13 होता है, बेकर के दर्जनों यानी कि 12 का पांच दर्जन तो आप समझ रहे हो ना बात भाई, बेकर के दर्जनों की देखिए, इन्होंने बोला एक बेकर का दर्जन 13 है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ईजी है और सिंपल क्वेश्चन है कि एक बेकर का दर्जन 13 है, एक बेकर का अगर आप दर्जन करते हैं तो वो कितना है 13 है। तो इन्होंने बोला बेकर के दर्जनों के 5 दर्जन, अब 5 दर्जन का मतलब क्या है, एक दर्जन में 12 होते हैं तो 5 दर्जन में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60, और यहाँ पर एक बेकर का दर्जन कितना दिया था 13, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप कहेंगे 13 और 12 पंचे 60, 13 छिंग 78, यानी कि 780। तो 780 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। सिंपल क्वेश्चन था, किस ऑप्शन में दिया है 780, तो ऑप्शन बी में आपको दिया है, तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थ्री आपसे कह रहा है 360 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहला भाग दूसरे से 26 अधिक हो। ध्यान रखना जब भी ये कंडीशन बनेगा, अधिक हो, अधिक वाली कंडीशन जब भी बने, तो हम आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे इस क्वेश्चन को करने का। सबसे पहले आप ट्रेडिशनल मेथड से इसको समझ लीजिए, इन्होंने बोला कि 960 को, तो चलिए हम फर्स्ट मेथड समझ लेते हैं, इन्होंने बोला कि 960 को, फर्स्ट मेथड में हम करेंगे कि 960 को 2 भागों में बांटना है, और इस प्रकार बांटना है कि पहला भाग दूसरे से कैसा हो, 26 अधिक हो। तो चलिए ये पहला भाग मान लिया और ये हमने दूसरा भाग मान लिया, अब पहला भाग दूसरे से क्या है, 26 अधिक है, तो हमने बोला कि दूसरा भाग x है, जिससे अधिक है तो उसको हमने x मान लिया, तो पहला कितना हो जाएगा, x प्लस 26 हो जाएगा। ये ट्रेडिशनल मेथड से जो कंक्लूजन निकलेगा ना, उस कंक्लूजन को समझना। अब पहले भाग और दूसरे भाग दोनों का योग तो 960 होगा, क्योंकि आपने क्या किया, 960 को ही तो 2 भागों में बांटा, और इस प्रकार बांटा कि पहला भाग दूसरे से क्या है, 26 अधिक है, तो दूसरे भाग को हमने अगर x मान लिया तो पहला भाग कितना हो जाएगा, x प्लस 26। तो इन दोनों का योग अगर हम बात करें, पहला भाग x प्लस 26 और दूसरा भाग कितना x, इनका योग कितना, तो आप कहेंगे सर 960 के बराबर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x और x 2x हो जाएगा, 960 में से देखिए क्या माइनस हो रहा है, यहाँ पर 26 माइनस हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। 960 को इससे हम कंक्लूजन निकाल के आपको बताएंगे कि आप डायरेक्ट पेपर में कैसे करेंगे, तो आप माइनस करिए, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 10 में से 6 जाएगा तो आप कहेंगे सर 4 बचेगा, 3 जाएगा 6 में से 3 बचेगा, 934 हो गया। 2 से आप अगर भाग देंगे तो x की वैल्यू आएगी 2 चौके 8 और 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 467, यानी कि दूसरा भाग कितना आ गया आपका, तो अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो वो तो आपका आगे कितना 467, ठीक है। अब हम फर्स्ट भाग की बात करें तो वो अधिक है, कितना अधिक है, 26 अधिक है, तो यानी कि 467 में आपको कितना और ऐड करना है, 26, 26 और ऐड करना है, जोड़ दीजिए, 7 6 13 की 3 हासिल में 1 6 2 8 और 1 9, 493, तो ये आपका पहला भाग आ गया। तो दोनों भाग निकल कर आ गए 493 और 467, किस ऑप्शन में दिया आपको, 467 493, तो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको दोनों भाग इस प्रकार विभाजित करना था, पहला भाग दूसरे से 26 अधिक है, दोनों भाग आपसे पूछे गए, तो ये आंसर हो गया। अब कंक्लूजन देखिए, हम कंक्लूजन की जो बात आपसे कर रहे हैं कि आपको समझना क्या है यहाँ पर, वो चीज़ देखिए, हमने क्या किया, आपको बताया कि 960 में से 26 माइनस किया, और उसके बाद हमने क्या किया, देखिए संख्या में 2 से भाग भी दिया माइनस करने के बाद जो बचा, तो डायरेक्ट इतना आप 1 और 2 स्टेप मानेंगे संख्याओं को, फिर x मानेंगे दूसरे में x प्लस 26 करेंगे, उनके योग को 960 के बराबर करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे, किसी को हमें पेपर में समझाना तो है नहीं, हमें तो केवल करके अपना आंसर लगा के आना है, और वो भी सही। तो देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, जब भी आपसे पूछें
किसी संख्या को बांट रहे हैं, अगर वो दो भागों में बांट रहे हैं और पहला भाग दूसरे से 26 अधिक है, तो हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले जो उनका टोटल संख्या थी 960, उसमें से डायरेक्ट आप क्या करिए 26 को माइनस कर दीजिए। 26 को माइनस कर दिया तो आप कहेंगे 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 3 गया तो 3 बचा और ये 934। अब जो आपके पास बचा रिमेनिंग आया, जो शेष आया 26 माइनस करने के बाद, इसको आधा कर दीजिए क्योंकि दो भाग हैं इसलिए आधा कर दीजिए। तो दो चौके आप कहेंगे 8, दो छिंग 12, दो सत्ते 14। तो अभी जो संख्या आई ना वो छोटी वाली संख्या आ गई, ये ध्यान रखना हमेशा कौन सी होगी, भाग देने के बाद छोटी वाली संख्या होगी, हमेशा छोटी वाली संख्या होगी। तो छोटी संख्या आपके पास कितनी आ गई, अगर हम बात करें तो छोटी संख्या आ गई आपके पास 467। तो बड़ी कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि एक भाग दूसरे से 26 अधिक है, तो बड़ा वाला छोटे से 26 ज़्यादा होगा, तो इसमें 26 प्लस कर दीजिए। तो जैसे ही आपने प्लस किया तो ये कितना, 3, 9, 493। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 493, बड़ी संख्या कितनी आ गई, 493। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे इस प्रकार। तो आपको पेपर में ये सेकंड मेथड का इस्तेमाल करना है, कोशिश करना कि आप डायरेक्ट इस तरीके से कर पाएँ, तो आपका समय बहुत बच जाएगा, मीन्स आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर सकते हैं इस मेथड से। माइनस करना है, डिवाइड करना है, ये तो कैलकुलेशन आप दिमाग में कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बोले एक पुरुष 25 रुपये में 10 सेब खरीदता है, बहुत अच्छी बात है, और उन्हें 25 रुपये प्रति दर्जन बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसको लाभ होगा कि हानि होगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उसको लाभ होगा कि हानि होगी, तो आप ये बताइए कि लाभ होगा कि हानि। इन्होंने बोला एक पुरुष 25 रुपये में, भाई पुरुष की बात तो यहाँ पर मेल लिख दिया हमने कि पुरुष है, कितने रुपये में, तो यहाँ हमने रुपये लिख दिए। 25 रुपये में कितनी खरीदता है, तो यहाँ पर हमने मात्रा लिख दी, कितनी मात्रा खरीदता है, तो आप कहेंगे सर 10 सेब खरीदता है। ठीक है, 10 सेब खरीदता है। अब यानी कि इसका मतलब क्या है, ये 25 रुपये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये जो 25 रुपये हैं वो क्रय मूल्य है, भाई खरीदने वाली जो कीमत होती है वो क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे सर वो क्रय मूल्य कहलाती है, जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो क्या कहलाती है, क्रय मूल्य कहलाती है। तो यहाँ बात समझ में आ गई कि 25 रुपये में 10 सेब खरीद रहा है, यानी कि ये 25 रुपये क्रय मूल्य है 10 सेबों का। ठीक, अब बोल रहे हैं कि वो 25 रुपये प्रति दर्जन बेचता है, तो एक दर्जन में कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर 12। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि विक्रय मूल्य कितना है, तो अगर आपसे बात की जाए कि विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर 25 रुपये ही है, लेकिन मात्रा में फ़र्क पड़ गया, कितना बेच रहा है, 12। तो अब आप पहले खुद से ये एज्यूम कीजिए कि लाभ हो रहा है कि हानि, तो आप कहेंगे सर हानि हो रहा है। क्यों हानि हो रहा है, कि भाई 25 रुपये में खरीद तो रहा था कितना, 10, लेकिन 25 रुपये में बेच कितना रहा है, 12। मतलब 25 में 10 खरीदता है और 12 बेचता है, मतलब दो अपने पास से एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो दो की भी कुछ ना कुछ कीमत होगी ना। तो 25 में जितना लेकर आया था उससे ज़्यादा अगर बेच रहा है, तो उसका मतलब हानि होगी। ये चीज़ क्लियर होगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके पास आए, तो आपको क्या करना है, उनकी मात्रा को समान बनाना है। ठीक है, मात्रा को समान बनाने के लिए देखिए, आप पहले हम डायरेक्ट समझ लेते हैं, मतलब अप्रोच से समझ लेते हैं क्या अप्रोच है, फिर हम डायरेक्ट करेंगे कैसे बनाना है। तो मात्रा समान करनी है, तो देखिए 10 और 12 को आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब आप कहेंगे कि 10 और 12 का हम एलसीएम लेते हैं, 10 और 12 का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो आप कहेंगे सर 60 आएगा। तो 10 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, और 12 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। ये कैसे निकाला हमने, तो एलसीएम में 10 से भाग दिया, 6 बार भाग गया, एलसीएम में 12 से भाग दिया, 5 बार भाग गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप मात्रा को अगर 6 गुना कर रहे हो, तो रुपए भी 6 गुने हो जाएंगे कि नहीं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, यदि हम मात्रा को 6 गुना करेंगे तो रुपए भी 6 गुने हो जाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई रुपए में भी हो जाएगा, 25 छिक्के, तो आप कहेंगे सर 150, यानी कि 150 रुपये में कितने आ रहे थे, तो आप कहेंगे 10 छिंगे 60, तो 150 रुपये में 60 एप्पल हम लेकर आए। चलिए अब हम बात करते हैं बेचे कितने में, तो 5 का मल्टीप्लाई 25 में भी हो जाएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 25 में हो गया और 5 का मल्टीप्लाई 12 में हो गया, तो 25 × 5 = 125। अब 125 रुपये में बेचे कितने, तो आप कहेंगे सर 60। अब आप बताइए कि 60 सेब 150 रुपये में लेकर आ रहे थे, क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर 150 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है, तो 125 रुपये। लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर डिपेंड करती है।
अगर क्रयमूल आपका ज्यादा है, विक्रयमूल कम है तो हानि होगी, और क्रयमूल आपका कम है और विक्रयमूल ज्यादा है तो लाभ होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमें मात्रा को केवल समान बना के ये देखना है कि क्रयमूल कितना निकला, तो आपने कहा 150 रुपये, विक्रयमूल कितना में निकला, तो आप कहेंगे सर 125 रुपये। आप बताइए कि अगर आपका क्रयमूल क्रयमूल 150 रुपये है और अगर विक्रयमूल की बात करें तो कितना है, तो आप कहेंगे सर 125 रुपये है। मतलब 150 वाली चीज़ को 125 में बेच रहे हो, तो लाभ होगा कि हानि, तो आप कहेंगे सर हानि होगी। कितने की होगी, तो क्रयमूल में से विक्रयमूल को माइनस कर दिया, तो 25 रुपये की क्या हुई, हानि हो गई। अब हानि और लाभ का जो परसेंट निकलता है वो हमेशा किस पर निकलता है, क्रयमूल पर। तो यहाँ पर चूंकि क्या हो रही है, हानि, तो हानि का प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे, तो हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि बटे में कितना, तो आप कहेंगे सर क्रयमूल हानि बटे में क्या, क्रयमूल इंटू क्या, 100 इंटू क्या, 100, ठीक है। अब हानि की अगर हम बात करें तो देखिए हानि आपकी हुई 25 रुपये की, क्रयमूल कितना है, तो आप कहेंगे सर 150 रुपये इंटू क्या कर देंगे, 100। 25 से ये कट जाएगा कितने बार, 6 बार, और 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 2 से ये 50 बार कट जाएगा। 50/3 का मतलब होता है 16/2/3%, यानी कि 16/2/3% की हानि हो रही है। नीचे जाता हुआ एरो ये बताता है कि हानि हो रही है, क्लियर। अगर हम आपसे पूछें भाई किस ऑप्शन में दिया आपको 16/2/3, तो ये तो आप देख ही सकते हैं ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमने समझ लिया बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच से कि आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है, लेकिन अब हमें डायरेक्ट समझना है पेपर के हिसाब से अब कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रयमूल कितना दिया, तो अगर हम क्रयमूल की बात करें तो आप कहेंगे सर 25 रुपये में 10 खरीदे गए थे, और अगर हम बात करें विक्रयमूल कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 25 रुपये में 12 बेचे गए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 12 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इस 10 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, जो मात्रा है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 25 × 12 जब करेंगे तो 25 × 10 = 250 होता है, 25 × 10 = 250 और 25 × 2 = 50, तो कितना हो गया, 300 है। यानी कि क्रयमूल कितने में कन्वर्ट हो गया, 300 रुपये में, और आपने 25 का मल्टीप्लाई 10 से किया, तो विक्रयमूल किस में कन्वर्ट हो गया, 250 में। यानी कि 300 वाली चीज को आप 250 में बेच रहे हो, तो 50 रुपये की आपको हानि हो रही है। तो हानि किस पर होती है, क्रयमूल पर, इंटू क्या कर देंगे, 100। तो देखिए 2 जीरो से 0 कैंसिल, 50/3 ही आया, 50/3 का मतलब 16/2/3%, 16/2/3% की क्या होगी, आपको लॉस होगा यानी कि हानि होगा, क्लियर होगी बात। तो इस प्रकार आपको डायरेक्ट पेपर में करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मात्राओं को करके डायरेक्ट आपको क्रयमूल और विक्रयमूल निकालना है। अगर क्रयमूल ज़्यादा है, विक्रयमूल कम है तो हानि होगी, और यदि क्रयमूल कम है विक्रयमूल ज़्यादा है तो लाभ होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, अमित जो कि एक फर्नीचर विक्रेता है, 720 रुपये में एक मेज को बेचने की योजना बनाता है, यदि उसे उसने 20% लाभ प्राप्त किया है तो मेज का क्रयमूल क्या है। देखिए इसको भी हम 100 से भी कर सकते हैं और रेशियो से भी, दोनों तरीके समझ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कि बात हो रही है कि भाई अमित ने क्या किया, अमित ने क्या किया, अमित की बात करें तो अमित एक फर्नीचर विक्रेता है, वो कि क्या करता है, वो 720 रुपये में क्या करता है, एक मेज को बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। तो लाभ किस पर कमाया होगा उसने, क्रयमूल पर। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि क्रयमूल कितना था फर्नीचर का, तो फर्नीचर का क्रयमूल हमने 100 रुपये मान लिया, कितना मान लिया, 100 रुपये। अब ये लाभ प्रतिशत कितना कमा रहा है, तो आप कहेंगे सर 20% का क्या कमाता है, वो लाभ कमाता है। तो 100 वाली चीज को अगर 20% का लाभ कमा कर बेचेगा, तो यानी कि 100 का 20% 100 में ऐड करेंगे, तो आप कहेंगे सर 120 रुपये, 120 रुपये क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य क्या आएगा, 120 विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो आपको 120 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 720 रुपये के बराबर दी है, क्योंकि जो अमित है वो 720 रुपये में मेज को बेचता है। तो अगर हमने उस मेज का क्रयमूल कितना माना, तो ये किसका क्रयमूल है, ये चीज ध्यान रखना, मेज का, क्योंकि क्वेश्चन में मेज दिया है, तो मेज का क्रयमूल हमने 100 माना। अगर 100 रुपये की चीज पर आप 20% का लाभ लेकर बेच रहे हैं, इसका मतलब कितने में बेचा होगा, तो 120 में, तो 120 की वैल्यू 720 के बराबर,
जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 से 6 बार कटेगा, तो एक यूनिट की वैल्यू 6 रुपए के बराबर। अब आपको क्या करना है, मेज का क्रय मूल्य निकालना है। एक यूनिट जब 6 रुपए के बराबर है तो आपने कितना माना था भाई क्रय मूल्य, 100 यूनिट, तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 600 रुपए। तो आपका आंसर कितना निकल कर आएगा, 600 रुपए, यानी कि मेज का क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपए। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 600 रुपए। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं भाई, इसका सेकंड मेथड भी समझ लेते हैं कैसे करेंगे रेशियो से। तो अगर हम इसके सेकंड मेथड की बात करें कि अगर आप चाहते हैं कि इसको रेशियो से बनाएं तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर केवल आपको प्रतिशत का काम है, 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ऊपर एरो का मतलब ध्यान रखना लाभ, जो चीज़ बढ़ रही होगी उसके लिए हम ऊपर एरो बनाते हैं। तो 20% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर 1/5, एक यहाँ पर 5 का क्या है, तो आप कहेंगे 20%। तो लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। आपको पता है ये चीज़ कि जब लाभ परसेंट हानि परसेंट दिया होगा तो जब आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो उस भिन्न का जो हर होगा वो हमेशा क्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 5 है, 5 यूनिट है, और एक क्या है, लाभ के बराबर है। तो विक्रय मूल्य कैसे आएगा, तो आप कहेंगे सर यदि क्रय मूल्य में हम क्या कर दें, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दें तो विक्रय मूल्य हो जाता है। भाई 5 रुपए की चीज़ पर आप 1 रुपए का लाभ ले रहे हैं, तो कितने का बेचा होगा, 6 का। तो 6 की वैल्यू आपको दी है, देखिए यहाँ पर ये फर्क हो जाता है कि डेटा जो होता है वो एक डिजिट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक अंक की संख्या होगी सबकी सब, तो कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 720 के बराबर। 6 से काटेंगे आप, 6 कम 6, ठीक है, फिर आप कहेंगे सर 6 कम 6 हो गया, तो 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 कर दीजिए और एक जीरो, मतलब 120 की वैल्यू आ गई, एक यूनिट 120 रुपए के बराबर। तो हमने कितना माना क्रय मूल्य, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 पंचे 60, यानी कि 600 रुपए। तो उस मेज का क्रय मूल्य कितना निकला, 600 रुपए। आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेथड से थोड़ा सा आपका समय बच जाएगा बस, ठीक है। देख लीजिए दोनों तरीके आपके सामने, किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाते हैं फिर छठवे क्वेश्चन की तरफ, छठवा क्वेश्चन देखते हैं कि भाई छठवा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर छः आपसे कह रहा है, एक कुर्सी 360 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को उसकी लागत की 10% हानि होती है। अब देखिए फिर से वही वाली बात हो गई कि एक कुर्सी को 360 में बेच रहे हैं, मतलब विक्रय मूल्य दिया है, उसकी लागत की 10% हानि होती है, यदि वह उसे 420 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए लाभ प्रतिशत जब आप बता पाएंगे, थोड़ा सा ये वर्डों में करेक्शन कर लेना बेटा, ये प्रतिशत ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो लैंग्वेज पे बस ध्यान रखना। या अगर हम बात करें कि कुर्सी 360 रुपये में बेचते हैं बेटा, तो कितने की, दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो यदि वह उसे 420 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब डायरेक्ट हम रेशियो से करें, तो देखिए इन्होंने क्या बोला है आपको, हानि प्रतिशत दिया है। क्या दिया है, हानि प्रतिशत दिया है। हानि प्रतिशत कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 10% दिया है। 10% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10, तो यहाँ पर ये 10 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये क्रय मूल्य होगा, एक क्या होगी यहाँ पर, तो जब हानि प्रतिशत हो तो ये हानि होती है। तो अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर आपने 10 रुपये की चीज़ ली, 1 रुपये की हानि हुई, तो कितने में बेची, तो आप कहेंगे सर 9 में। 9 की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 360 रुपये के बराबर, ठीक है, 360 रुपये के बराबर 9 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 9 चौक 36, यानी कि 40 के बराबर। हमने क्रय मूल्य कितना माना, 10। देखिए क्रय मूल्य क्यों निकालना ज़रूरी है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि यदि उसको 420 रुपये में बेचें तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास क्रय मूल्य हो, क्योंकि लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तो क्रय मूल्य का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखिए आपने 10 यूनिट माना, 10 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 400 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना निकाल लिया हमने भाई, 400 रुपये। क्रय मूल्य 400 है। अब ये बोला है इस वस्तु को कितने में बेचा जाए, ये सेकंड केस है, मतलब पहले अगर 360 में बेच रहे थे तो 10% की हानि हो रही थी, अब बोले हैं कि अगर 420 में बेचें तो कितने प्रतिशत का लाभ हो। तो देखिए 400 वाली चीज़ को 420 में बेचा जा रहा, तो लाभ कितने का हुआ अगर आपसे पूछा जाए, तो आप कहेंगे सर लाभ जो है वो 20 रुपये का हुआ। लाभ कितने का हुआ,
अगर आपसे पूछा जाए कि लाभ कितने का हुआ तो आप कहेंगे सर 20 रुपए का हुआ, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे सर लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल बटे में क्रय मूल इंटू 100। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटे में क्रय मूल इंटू 100। तो लाभ की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 20। क्रय मूल कितना है? तो देखिए आप कहेंगे सर 400, ठीक है, इंटू में क्या 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, चार से ये पांच बार कैंसिल, यानी कि कितने परसेंट का लाभ हो रहा है भाई? 5% का लाभ हो रहा है। यानी कि 400 वाली चीज को यदि 420 रुपए में बेचा जाता है तो 5% का लाभ होता है। किस ऑप्शन में दिया है आपको 5%? तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका? आंसर हो गया, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन, देखिए दोनों क्वेश्चन 5% पर लगभग एक जैसा ही क्वेश्चन था, और किस पर बेच जाए? प्रॉफिट और लॉस पर, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए आगे बढ़ जाते बेटा।